हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल स्वाति ब्लॉग फरीदाबाद। और अभी हम लोग दोनों के दोनों कहीं जा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले काम मेरा ये है, जो मेरा फ़ोन है ना, उसमें मैंने जो ये शीशा आगे लगवा रखा है ना, तो उसकी वो मेरा कैमरा भी उस शीशे की वजह से ढक चुका है। तो जो मेरी फ्रंट वीडियो है ना, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं आती है, तो वो काम करवाना है। एक दो काम और है, अगर हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे घूम के आ जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में। और थोड़ी सी मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरी वीडियो मैंने मतलब आज ही थोड़ी बहुत बनाई है और आज ही मैं पब्लिक कर दूंगी उस वीडियो को। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मतलब जो सोचो, मैंने सोचा मैं कल शेयर करूंगी, लेकिन बैठे बैठे मैंने कर दिया, तो उसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, खुश हूँ मैं। तो अभी जो है मैं लिफ्ट में हूँ, ये नीचे जा चुके हैं कि अपने स्कूटी साफ़ करेंगे। मैं उनका ताला वाला लगा के मैं अच्छे से बाद में आती हूँ। और मार्केट में जिस जहाँ हम जा रहे थे ना, वहीं बीच में एक मार्केट लगी हुई थी, मंडे मार्केट, तो उसी वहीं पे मैं रुक गई। मैं बट रुको 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 इनको बोली, फिर मैं वहाँ पर मैट देख रही थी, जो टेबल मैट होते हैं ना वो थे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं रिलायंस जो मॉल है यहाँ का, वहाँ पर रिलायंस शॉप है ये। तो अभी हम लोग है पार्किंग में, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। और कब बहुत टाइम के बाद इस तरीके से आते ना, तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ें जो मुझे लेनी थी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। जो कि ये तो बोलते बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लेने के लिए मुझे मैंने कुर्तियाँ देखी अपने लिए, तो मुझे नहीं पसंद आई तो मैंने नहीं ली। तो किचन के लिए भी काफ़ी कुछ मैं सोच रही थी लेने के, लेकिन नहीं लिया, पसंद ही नहीं आया। और ये भी अपने किसी काम के लिए वहाँ गए थे, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो फिर हम इतने लेट हो गया, तो चलो खाना खाते। तो मैं पहले पानी पूरी खाने लगी थी, फिर हम लोग खाना खाने लगे, तो काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो हमें लगा चलो खाना खा के चलते हैं घर पे और बनाएंगे, फिर टाइम लग जाएगा काफ़ी, और फिर अगले दिन इनका ऑफिस भी था। फिर उसके बाद हम आ गए हैं सब्जी मार्केट में, हमें सब्जी लेनी थी, लेकिन बहुत मतलब छटी छटाई जो सब्जी होती है ना वो थी यहाँ पर। तो ये हमारे घर के पास में ही है एक मार्केट, सब्जी मार्केट, यहाँ फ्रूट मार्केट है, लेकिन सुबह आओ ना तो ठीक सब चीज़ें मिल जाती हैं। इस सब्जी मार्केट में ना सब जो मसाले की दुकानें होती है ना, वो भी बहुत हैंगी यहाँ पर। तो इस वक्त ना मसाले की धास बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उससे। तो मैं जल्दी से मैं बोली इनको निकलो यहाँ से अब। तो और अभी हम लोग घर आ गए हैं, और हम लोग गए थे 5:30 बजे, और अभी जो टाइम 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 10 बजने में भी। और ये कपड़े हैं, ये लाई हूँ, अभी इनको फोल्ड करके रख दूँगी, इनकी तय लगानी है। और मार्केट से हम ज़्यादा कुछ तो लेके नहीं आए, मतलब कुछ जो जिस काम के लिए गए थे ना वो काम, जैसे कि मैंने बताया था जो ये शीशा लगवाया था मैंने, ये तो मैंने चेंज करवा लिया। तो अब मैं जैसे कि फ्रंट से बना रही हूँ, तो इसकी थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है मुझे, धुंधला धुंधला निकल रहा है उससे ना, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा लग रहा था। और रिलायंस गए थे हम लोग, तो वहाँ इनको देखना था टीवी एलसीडी, तो इनका बहुत लेने का मन है कि एलसीडी लेंगे, तो थोड़ा सा बजट अभी नहीं बन रहा है, तो बस देख देख के आ जाते हैं कि कौन सा लो कौन सा नहीं। तो 2-3 जगह गए थे देखने के लिए, तो देखते हैं वो तो हम बाद में। और मुझे तुलसी का पौधा लेना था, अभी तक वो नहीं लिया, तो फिर अभी 10 बज गए आते आते, तो फिर वो भी काम हमारा रह गया। फिर उसके बाद हम लोग गए सब्जी मार्केट, तो सब्जी मार्केट में ना जैसे कि लास्ट में वो छोटी छटाई सब्जी रह जाती है ना वो थी, तो हम लोग सिर्फ आलू लेके आए हैं, जो कि ज़रूरी था, आलू नहीं थे घर पे, हरी मिर्ची और एक दो चीज़ और लेके आए हैं फ्रूट में, बस केला, और ज़्यादा तो हम नहीं लेके आए हैं, और धनिया लेके आए 4 चीज़। और ज़्यादा सब्जी हमें कुछ पसंद नहीं आई, आते ही मैं नहाई, और इतनी मतलब कि बाहर इतनी धूल मिट्टी, गर्मी सी, मतलब गर्मी तो नहीं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से ऐसा लग रहा था। बाल तो मेरे सूखे चिकटे चिटे से, जैसे कि आज ही मैंने सिर धोया था, फिर भी लग रहा था इतनी धूल मिट्टी मेरे बालों में जम गई है। तो चलिए अब मैं कपड़ों की तय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग आप सभी को, क्योंकि ये है नेक्स्ट डे। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और मुझे पराठे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि चाय और पराठा मेरा फेवरेट है, और मुझे ऐसी चीज़ें ना पसंद आती हैगी। तो मैंने आलू उबाल लिए थे, तो आलू थोड़ा मैश कर दिए हैं, उसके बाद इसमें मैंने प्याज काट के डाल दिया है, फिर हरी मिर्च है, उसके बाद कुछ मसाले हैं, जैसे जैसे पसंद होते हैं मसाले अपने हिसाब से सब डाल देते हैं। तो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल दी है आज,
तो उसके उससे भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठों में, अगर किसी को पसंद है तो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाला है, और जो खड़े मसालों में धनिया आता है ना उसको भी कूट के इसमें डाल दो ना तो वो भी उसका टेस्ट अच्छा आता है। मेरे पास था नहीं तो मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है, जीरा पाउडर डाला है, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, बस यही सब चीज़ें डाली है। इसको मैं कर दूँगी मिक्स, और मैं साथ के साथ अपने जो डब्बे वब्बे हैं सब साथ के साथ रख देती हूँ, ऐसे फैला के नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो जगह भी नहीं है और मुझे आदत भी नहीं है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और अभी जो है मैं पराठे बनाना शुरू कर दूँगी, और फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। और इनको काफ़ी अच्छे लगे पराठे, क्योंकि मैंने बहुत ही कम घी में बनाए हैं, मैं तेल में नहीं, ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ, मुझे उसमें पसंद आते हैं। जो चाय तेल में भी बना सकता है वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना दोस्तों और फैमिली के साथ में। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में। बहुत ही जल्दी 1 तारीख आने वाली है, जो मैंने बोला था कि 1 तारीख को अनाउंसमेंट करूँगी कि किसको गिफ्ट मिलेगा, किस किस के मुझे कमेंट अच्छे लग रहे हैं, तो किसी एक को ही मिलेगा, सबको तो मैं नहीं दे सकती हूँ देखो। और वो आप लोगों को 1 तारीख के जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा, 1 या 2 तारीख के वीडियो में मैं बता दूँगी। और यहाँ पर जो है मेरे पहले पराठे नहीं करवा दी, यहाँ पर बेचती, तो जो आगे आप लोगों को पता लगेगा। मेरे साथ हमेशा होता है पहला पराठा हो, पहली रोटी हो, या फिर पूरी बनाती हूँ तब भी मैं, मतलब पहली पूरी मेरी फूलेगी नहीं, रोटी भी फूलती नहीं है, और यही पराठा है। पराठा मेरे यहाँ पे चिपक गया, थोड़ा बहुत टूट गया, क्योंकि मैं पहले बहुत मोटे मोटे, थोड़ा सा मैंने पतला बनाया है इस वजह से, पता नहीं क्या था, लेकिन ये थोड़ा सा टूट गया है। आगे आप देखोगे, हो सकता है मैंने इसमें आलू बहुत ज़्यादा ही भर दिए हैं इस वजह से भी, क्योंकि कई बार रीज़न ये भी होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भरती भी हूँ और मुझे पसंद है। क्योंकि अगर नाम से आलू भरने से, या किसी भी चीज़ का पराठा आप खाओ, पनीर का खाओ, मूली का खाओ, तो उसमें नाम से भरने से ना वो टेस्ट नहीं आता। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें भरो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार मतलब कि कोई हमारे घर आया था, उसने पनीर के पराठे खाए थे ना, तो वो बोले ऐसे तो मार्केट में कभी मिलेंगे नहीं इतने भर के पराठे, तो उसने मेरे पराठे की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और अभी जो है ये नीचे गए हैं, मैंने दूध मंगवाया, दूध नहीं था घर पे, मैं एक बार दूध ला दो, और मैं मतलब कि चाय के साथ खाऊंगी, ये दही के साथ खाएंगे। और ये जो हमारा चूल्हा है ना, इसमें मतलब अच्छे से ना ग्रिप नहीं बनती है, जैसे कि मैं कुकर रखूँ, तवा रखूँ, या कुछ भी और पैन वैन रखूँ ना, फ्राई पैन रखूँ जैसे कि, तो अच्छे से इस पर ग्रिप नहीं बनती है, ऐसे मतलब वो हिलता रहता है। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, मतलब मैंने कैसा ले चूल्हा ख़रीदा, ना ऑनलाइन ही ख़रीदा था ये जब पूजा के टाइम पर, क्योंकि चूल्हे की भी जब पूजा करवाते ना घर गृह प्रवेश की, तो चूल्हे की भी पूजा होती है उस टाइम पे, हम लोग जल्दीबाजी में इन्होंने ख़रीद लिया, इनको लगा कि छोटा सा है तो इसलिए भी ख़रीद लिया, और थोड़ा इसका प्राइस भी बहुत कम ही था, एक ये भी रीज़न था। मुझे लगता है ना कि अच्छे से दुकान पर जाके देख के ले लो, फिर मतलब वही उसी कंपनी का बेशक जो सस्ता मिल जाए तो ऑनलाइन से ले लो, पहले बार दुकान पर जाके भी बस चेक करना चाहिए। I wish we could stay, but I gotta
पराठे बनके हो गए हैं तैयार। तो मैंने गैस वैस मतलब कि स्लैब वैस सब साफ़ कर दी है, बर्तन मैं बाद में करूँगी खाना खाने के बाद। और अभी मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है और उसको मैंने कॉल कर दिया था कि जब मैसेज कर देता फ्री हो तो मुझे कॉल कर मतलब कि बता देना। और जब से अभी 1 तारीख से मैंने दोबारा से वीडियो बनानी शुरू की है तो आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैं चाय आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही, मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो ये बस दूसरी बार ही हमारे घर में चाय बन रही है। एक बार मेरी फ्रेंड आई थी तब मैंने बनाई थी और एक आज बना रही हूँ। मैं डेली डेली चाय नहीं पीती हूँ, अब मैं बहुत ही कम जो है मैंने चाय पीनी की शुरू की है। तो आज मेरा मन था पराठे के साथ तो इसलिए मुझे पसंद लगता अच्छा लगता है पराठे के साथ में चाय। और अभी जो है मैं बहुत दिनों बाद बना रही, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन चाय बहुत ही अच्छी बनी थी, मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे बहुत जल्दी हो रही है, बस जल्दी से चाय बन जाए मैं फटाफट जाके फटाफट खाना खाऊं मैं अपना। और जब पराठे वराठे बनते हैं तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादा तला वला जो चीज़ें होती है ना वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो बस अपना टैब लगा के मैं अनुपमा सीरियल देखूंगी और अपना खाना एंजॉय करूंगी। यहाँ पर हमारा खाना मेरा प्लेट लग गई है और इस साथ में ही इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए स्वस्थ रहिए।